हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे SKMIMIC यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्विफ्ट कोड क्या होते हैं और ये किस काम आते हैं। आपने इससे पहले हमारे इस चैनल पर वीडियो देखी होगी एडसेंस की, जिसमें गूगल की तरफ से एडसेंस के पासवर्ड आते हैं और हम उनको एक्टिवेट करके फिर अपनी यूट्यूब से जो अर्निंग होती है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि स्विफ्ट कोड को कैसे फाइंड किया जाता है और ये किस काम आते हैं। मुझे जो जो परेशानी हुई है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि स्विफ्ट कोड जब मैं सर्च कर रहा था और मैंने ब्रांचों में जाकर भी पूछा है ब्रांच से, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो उसके लिए जब मैंने नेट से सर्च किया स्विफ्ट कोड, तो वहां पर 4 स्विफ्ट कोड आए और मैं कंफ्यूज था उसमें कि कौन सा यूज करूँ। तो वो उसके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि आपको काफी अच्छी तरीके से पता चल जाए कि कौन से स्विफ्ट कोड को हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने स्विफ्ट कोड फाइंडर में। यहाँ पर टाइप करेंगे अपन स्विफ्ट कोड फाइंडर, यहाँ पर जाएंगे और जो इसकी फर्स्ट लिंक आएगी स्विफ्ट कोड फाइंडर टूल्स, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जाइए आप यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट कीजिए। सबसे पहले हम इंडिया सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये रहा इंडिया। हम इंडिया सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्टेट बैंक सिलेक्ट करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेरा स्टेट बैंक में अकाउंट है। उसके बाद आप यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि जहां पर आप रहते हैं वहां पर छोटी ब्रांच का कोई स्विफ्ट कोड नहीं होता है। अगर वो किसी बड़े शहर की ब्रांच से जुड़े हुए होंगे तो वहां का ही स्विफ्ट कोड आपको मिलेगा। तो जैसे हम नीमच में रहते हैं तो हमारा स्विफ्ट कोड पहले रतलाम था लेकिन अब चेंज हो गया है, तो इंदौर में हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ है। तो हम यहाँ पर इंदौर सर्च करेंगे। सबसे पहले इंदौर सर्च करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 4-5 तरह के स्विफ्ट कोड आ रहे हैं, तो हम कौन सा यूज करें इसमें से। यही कंफ्यूजन मेरे को यहाँ पर था कि कौन सा मेन स्विफ्ट है। तो मैंने ब्रांच में जाकर जब मैनेजर से पूछा है वहां पर कि कौन सा स्विफ्ट कोड यूज करना चाहिए हमें, तो उन्होंने बोला जो इंदौर की मेन ब्रांच है, जो जहां पर इंदौर में 3-4 तरह के स्विफ्ट कोड बता रहे हैं, यहाँ की जो मेन ब्रांच है वो वाला आप स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हैं। पर जैसे मैंने कस्टमर केयर से पूछा था कि हम यहाँ रहते हैं और हमें स्विफ्ट कोड यूज करना है, तो उन्होंने बोला ये चारों मेन ब्रांच ही है, चारों पांचों, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे हमारे यहाँ का स्विफ्ट कोड 267 वाला मिला है, तो हम इसी सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हमें स्विफ्ट कोड पता चल गया है, तो हम इसको नोट कर लेंगे और हमारे अकाउंट डिटेल में कैसे जाकर इनको वहाँ डालना है और कैसे अपना यूट्यूब पर अपना अकाउंट सिलेक्ट करना है अर्निंग आने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना यूट्यूब पर अपना अकाउंट जोड़ सकते हैं और उससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले जाइए गूगल क्रोम पर, गूगल एडसेंस लॉगिन पर। यहाँ पर जाने के बाद आपको गूगल एडसेंस पर जाना है। फिर जैसे ही आप गूगल एडसेंस पर आएंगे आपको जाना है पेमेंट्स पर। या पेमेंट्स पर जाने के बाद आपको यहाँ नीचे अकाउंट का ऐड करने का आएगा ऑप्शन। यहाँ पर अकाउंट ऐड ऐड पेमेंट मेथड, इस पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शनल है, इसको डालोगे तो भी चलेगा, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर नेम ऑफ ऑन बैंक अकाउंट, नेम बैंक नेम का नाम आ जाएगा, IFSC कोड डालना है और यहाँ पर स्विफ्ट कोड जो हमने सर्च किए हैं जो फाइंड किए हैं वो वाले डालने हैं। अकाउंट नंबर यहाँ आ जाएंगे और री अकाउंट नंबर डालने के बाद सिर्फ आपको सेव करना है। तो यहाँ पर फिलअप करने के बाद देखते हैं आगे सेव करके क्या होता है। हमने डिटेल फिलअप कर दी है, इसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने